हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईआईटी धनबाद में निकली वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ें हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर आपको एक एक करके मैं जानकारी दूंगा, फिर इसके हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी वैकेंसी धनबाद की है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको दे रखा है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 73 है, पे लेवल आपका 3 का रहेगा, 25 वैकेंसी यूआर में, एससी में 11, एसटी में 6, ओबीसी में 21 और इकोनॉमिक सेक्टर में 10 है। यहाँ पे आपको रिमार्क दे रखा है इसके बारे में, दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके आपकी जो डिटेल है वो आपके एक एक करके मैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी बात करें, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 3 रहेगा, 30 आयु दे रखी है, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद आपका 55% आपके मार्क होने चाहिए, प्रोफेंसी यूज वेरियस आपका कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट हैविंग टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या आपका 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएगा। इसकी आपकी कंप्लीट जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े या आप हमारे नीचे दिए गए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सोशल मीडिया पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी विस्तार से बात करते हैं वैकेंसी की, जहाँ पे आपको देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं आप, यहाँ पे इन केस आपका जो कैंडिडेट है जो सर्व किया है इन्होंने, ठीक है, काम किया एटलीस्ट 3 ईयर रेगुलर पोस्ट, आपको उनके मैक्सिमम एज में 50 रखी गई है। ठीक है, उसकी आपकी अन्य डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, कैंडिडेट एलिजिबल बेसिस ऑन देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज विल बी कॉल्ड फॉर अपीयर, यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे जैसे 10 टाइम आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से बुलाए जाएंगे, यहाँ पे 730 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट और नेक्स्ट राउंड को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि रिजर्व आपका कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी आर नॉट यहाँ पे आर एडुकेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं पार्ट बी ट्रेड टेस्ट रहेगा, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेसिस ऑफ स्क्रीन टेस्ट कॉल फॉर आपका अपीयर ट्रेड टेस्ट होगा, आपका कंप्राइजिंग आपका टाइपिंग टेस्ट आपका स्पीड, ठीक है, स्किल टेस्ट रहेगा ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे टाइपिंग स्पीड टेस्ट कैंडिडेट विल बी गिवन अ मैटर फॉर द टाइपिंग दे विल आपका रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस द सेम ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते आपका मेन एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट 80 का, कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट एमएस वर्ड आपका एक्सेल पावर पॉइंट 20 नंबर का, इस तरीके 100 नंबर का आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे फीस की बात करें, यहाँ पे आपकी जो फीस होगी 500 रुपये रहेगी, जो कि SBI कलेक्ट पे आपको जाके जमा करनी है, तो इस SBI कलेक्ट का लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। फ्रेंड बात करते हैं हम इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कर, देखिए जो लोग लॉगिन कर चुके हैं यहाँ से लॉगिन करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीज आपको डालनी है, उस तरीके से यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जो रजिस्टर करना चाहते हो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया है। आपको देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लास्ट नेम मिडिल नेम आपका जो फोटो का साइज 50 की आपका रहेगा। ठीक है, सिग्नेचर 30 KB का रहेगा, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम इंस्ट्रक्शन पर ओके पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपका ब्लू हो जाए, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, मिस्टर नाम अपना बताना है, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और फर्स्ट नेम दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, मिडिल नेम है यहाँ पे आपको देखिए, आपको मिडिल नेम छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दो दो बार देना है। कैटेगरी यहाँ पे आपको बताना है जनरल है, यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी यहाँ पे बताना है जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी द्वारा देनी है, जेंडर मेल फीमेल है यहाँ पे बताना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, यहाँ पे आपको फोटो है यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सिग्नेचर 50 KB का, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 50 KB का फोटो और 30 KB सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, सबमिट पे यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे आपको मैं तीनों इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, अप्लाई पोस्ट पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइज नंबर सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, जूनियर असिस्टेंट आ रहा है उस पर सिप पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको देखिए वन से एग्री यू एडवर्टाइजमेंट नंबर कैन नॉट बी
एग्री पे जो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपकी मदर का नाम, यहाँ पे मम्मी मदर का नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे आपको अपना देना है, ठीक है। कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करी थी वो देखने को मिले, डेट ऑफ बर्थ जो आपने सेलेक्ट किया था, मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। रिलीजन अपना बता सकते, जो आपका धर्म है। आधार नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर देखने को, इसके बाद यहाँ पे आपको वेदर यू बिलोंग टू फिजिकल डिसेबल यस यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी टाइप देखने मिल जाए, जिस टाइप की आपकी कैटेगरी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक्सप्रेशन है यस या नो, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है लाइन 2 लाइन 3 देर का, तो अपना एड्रेस दें, अपना सिटी बताएं जो आपका सिटी है, स्टेट यहाँ पे बताएं जो आपका स्टेट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बताएं, यहाँ पे मैंने स्टेट कर दिया। यहाँ पे पिन कोड आपको कंट्री यहाँ पे आप बताना है, दोनों सेम है, इस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज अलग अलग है। यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग से पूरी जानकारी देनी होगी। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जो माई नेक्स्ट स्टेप है एसेंशियल ऐप का रहेगा। यहाँ पे आपको देखिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन बताना है, यहाँ पे जिससे आपने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज यहाँ पे क्या है, रीजन क्या थी भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एज आपके जो है आपके एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की यहाँ पे देख सकते हैं आप बारे में आ रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन प्रोसेस के आपका बाई द एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका रह जाता है, तो यहाँ पे आपको देखिए नॉट कम्प्लीट पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए किसी कारणवश आपको रह जाता है, तो आपको 2-3 बार यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए किसी कारण आपके टेक्निकल से आपका नहीं हो पाया, ठीक है, तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो होम पे जाएंगे, एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपका अपने आप ही इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल रीजन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपलोड DOB सर्टिफिकेट हाई स्कूल का यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि PDF साइज का है 1 MB का, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे लोड सिंगल आपका जो एक्सपीरियंस फाइल है, मल्टीपल एक्सपीरियंस है विद मैक्सिमम 2 साइज रहेगा, यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट आपका, इंटर अमाउंट आप करना है, यहाँ पे आपका SBI कलेक्टर रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट के स्टेटस पे यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपके आपको या फिर इस पे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका जो SBI कलेक्टर यहाँ पर है, इसके नोटिफिकेशन पर दे रखा है इन्होंने, मैं लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको जाना है इस तरीके से, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड पे क्लिक करने का देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो फी है आपका, यहाँ पे रिक्रूटमेंट फी पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट एप्लीकेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये सब आपको करना है। एप्लीकेंट फीस यहाँ पे आ रही है आपको बताना है, और रिमार्क यहाँ पे इस तरीके से देखे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो फीस है पेमेंट कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको फ्रेंड आपको देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को मिलेगा, बाय आपको एक एक स्टेप बता रहा है किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है बाय इमेज, यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं एक एक करके, यहाँ पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम उसके बारे में दे रखा है, वैसे मैंने आपको उसकी कंप्लीट जानकारी दे रखी, यहाँ पे PDF भी दे रखी है, अगर आपको उसके अलावा भी डाउट है तो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको YouTube में कमेंट सेक्शन में दे सकता हूँ उसके आंसर, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूँ। तो यहाँ पे आपको जो पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, तो ये तो फ्रेंड वैकेंसी IIT धनबाद की वैकेंसी के बारे में। तो यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी के डेली अपडेट के हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।